अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो पुलाव की, ठीक है। बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बीफ ले लिया मैंने यहाँ पर, गर्म मसाला मैंने ले लिया है, ठीक है। काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग, ठीक है। यहाँ मैं दो प्याज डालूंगी इसमें से, जो है बीच में से कट लगा के इसको मैं, ठीक है। और ये एक मैं पूरा साबुत लहसुन डालूंगी इसमें, और ये पोटली बनाई है मैंने सौंफ धनिए की, ठीक है। बस यही चीज़ें हमारी यखनी में डलेंगी। और क्या कहते हैं, गरम मसाला भी मैंने इतना लिया है कि क्योंकि भगार में भी गरम मसाला डलता है, तो बहुत ज़्यादा भी इसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये मैंने चीज़ें ले ली हैं, अब मैं यखनी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। यखनी मैंने चढ़ा दी है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब जब हमारा बीफ गल जाएगा, यखनी हमारी बन जाएगी, उसके बाद जब मैं इसमें भगार लगाऊंगी तो उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरह से मैं पुलाव बनाती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं डलती हैं, तो उसके बाद आप लोग ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं पुलाव बनाती हूँ। यखनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है, गोश्त भी जो अच्छी तरह से गल गया है। अब हम जो है अपना पुलाव को पकाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ प्याज काट ली है, ठीक है। मैं इसमें अब डाल दूँगी प्याज, प्याज डाल दूँगी। और यहाँ मैंने ले लिया गरम मसाला, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था, तो वो भी हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। गरम मसाला डाल दिया, अब मैं इसको हल्का सा जो है प्याज को थोड़ा सा पिंक पिंक सा कर लूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्याज हमें ब्राउन नहीं करनी है, हमें हल्की सी बस पिंक करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं पुलाव बनाती हूँ। ये ऐसा पुलाव जो है ना मेरी अम्मी बनाती हैं, उनके हाथ का तो हर टेस्ट की बात ही अलग है, तो उनके ही जैसा जो है रेसिपी उनकी ही बनाती हूँ मैं। अच्छा जी, तो प्याज हमारी हो गई थी पिंक पिंक सी, मैंने हल्की सी कर ली। इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। अच्छा, इसमें मैं डालती हूँ हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च को मैं इस तरह से चॉप कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भूनूँगी हरी मिर्चों को डाल के। अब इसमें से हम ये डाल देंगे गोश्त सारा इसमें, ठीक है। गोश्त निकाल के डाल दें, अच्छा जी। तो मैंने इसमें बीफ डाल दिया था, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जो है मैंने इसको बॉईल कर आ गया इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, ठीक है, चावल डालूंगी। उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना मज़ेदार सा पुलाव बना है। बीफ यखनी पुलाव बनाया था मैंने, आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चावल डाल दी हैं मैंने, ठीक है, और ये इसमें मैंने डाली हैं बड़ी हरी मिर्च, ठीक है। तो बस ये जब बॉयल आ जाएगा इसमें तो मैं इसको रखूँगी दम पे, और जब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और क्या कहते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और यहाँ जो है मेरा बेटा भी रो रहा है साइड में खड़ा हुआ, ये सोकर उठे हैं अभी, तो अभी ये रो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा। हाफिज़। Thank you.